गुड मॉर्निंग, मैं पंकज चौधरी पैरामाउंट इंटरमीडिएट कॉलेज के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। मैं आज चैप्टर शुरू करने जा रहा हूं, इसका नाम है प्रतिशतता, यानी जिसको बोलते हैं परसेंटेज। प्रतिशतता दो शब्दों से मिलकर बना है। कितने शब्दों से मिलकर बना है? दो शब्दों से। एक होता है प्रति और दूसरा होता है सत्य। प्रति सत्य, जहां प्रति का अर्थ है प्रत्येक होता है और सत का अर्थ होता है सैकड़ा, प्रत्येक सैकड़ा। प्रतिशत को चिन्ह, ये जो चिन्ह दिखाई दे रहा है इसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, इसको हम लोग परसेंटेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परसेंटेज बोलते हैं। इस चिन्ह को परसेंटेज बोला जाता है। प्रतिशत से अभिप्राय यह है कि कोई राशि प्रत्येक सौ में कितनी है, कोई राशि प्रत्येक सौ में कितनी है, या वह राशि सौ का कौन सा भाग है, वह राशि सौ का कौन सा भाग है। एक बात और याद रखेंगे कि जहां प्रतिशत का जो चिन्ह है उसका मतलब एक बटा सौ होता है। उसका मतलब क्या होता है? एक बटा सौ होता है। याद, एक और बात याद रखिएगा, जहां पर प्रतिशत का चिन्ह हटेगा वहां एक बटा सौ से गुणा होगा किसी भी सवाल में, और जहां प्रतिशत जुड़ेगा वहां सौ से गुणा होगा, सौ से गुणा होगा। आइए एक एग्जांपल आपको देते हैं। जैसे मान लीजिए एक लड़का है राम, उसके पास दस आम है। कितने आम है? दस आम है। रामू जो है दस में से चार आम खाया। कितना आम खाया? चार आम खाया। अब पूछेगा, कोई पूछ लिया कि वो कितने प्रतिशत आम खाया, कितने प्रतिशत आम खाया। तो सबसे पहले वो चार आम खाया, कितने में से? दस में से। दस में से कितना खाया? चार। तो इसको जब भिन्न के रूप में लिखेंगे तो लिखेंगे ना दस, चार बटे दस। कितना लिखेंगे? चार बटे दस। अब चार बटे दस हो गया। अब हम इसको पूछ रहा है चार बटे दस आम तो वो खाया, अब वो कह रहा है कि प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। अब इसी चीज को हम चार बटे दस को प्रतिशत में जब बदलेंगे तो देखिए यहाँ पर प्रतिशत का चिन्ह जुड़ रहा है। तो आपसे बोले थे कि जहां पर प्रतिशत का चिन्ह जुड़ेगा वहां पर सौ से गुणा होगा। सौ से क्या होगा? गुणा होगा। तो देखिए सौ से गुणा हुआ कि नहीं हुआ है। अब देखिए चार गुणे सौ, चार सौ बटे दस, चार सौ बटे दस, ये कितना हो जाएगा? चालीस। और परसेंटेज का चिन्ह है तो ये परसेंटेज, यानी चालीस परसेंट। मतलब क्या है? रामू जो है चालीस परसेंट आम खाया। चलिए अब हम आप लोगों को बताते हैं कि किसी भी संख्या को हम कैसे प्रतिशत में बदलेंगे, किसी भी संख्या को हम प्रतिशत में कैसे बदलेंगे। तो याद रखिए, किसी संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए उस संख्या में सौ से गुणा करते हैं। किससे गुणा करते हैं? सौ से, और प्रतिशत का चिन्ह लगाते हैं। याद रखिएगा, उस संख्या में सौ से गुणा करेंगे फिर प्रतिशत का चिन्ह लगा देंगे। एग्जाम्पल के लिए निम्नलिखित को प्रतिशत में बदलेंगे, यहाँ पर संख्याएं दी हुई हैं, इनको हमको क्या करना है? प्रतिशत में बदलना है। चलिए पहले एक को हम प्रतिशत में बदल लें। हमने पहले ही बताया कि उस संख्या में, यानी क्या एक है तो एक में सौ से गुणा करेंगे और प्रतिशत का चिन्ह लगा देंगे। तो सौ एकम सौ और ये परसेंटेज का चिन्ह, यानी एक जो है सौ परसेंट को ये दर्शाता है। दूसरा हमारा है एक बटा दो, एक बटा दो। तो सबसे पहले एक बटा दो लिखेंगे फिर सौ से गुणा करेंगे, परसेंटेज का चिन्ह लगाएंगे। तो सौ एकम सौ बटा दो यानी पचास परसेंट। तीसरा है जीरो दशमलव दो पांच, जीरो दशमलव दो पांच, जीरो दशमलव दो पांच में सौ से गुणा करेंगे तो दशमलव दो स्थान हमारा दाहिने तरफ सीख जाएगा, ठीक। और ये हमारा 25 हो गया, यानी 25 हो गया, और परसेंटेज हमारा इसके साथ जुड़ जाएगा, यानी ये 0.25 हमारे 25% के बराबर है। तीसरा और चौथा है एक सही एक बटा दो, एक सही एक बटा दो, इसको हम दो एक दो एक तीन, तीन बटा दो हो गया, और उसमें 100 से गुणा कर लेंगे तो 100 या 300 बटे दो, 300 बटे दो, और परसेंटेज इसके साथ जुड़ा है। अब इसको हल करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? 300 बटे दो मतलब 150%, यानी एक सही एक बटा दो 150% को दर्शाता है। आगे है 2.5, 2.5
पांच, ये 2.5 है, 2.5 में 100 से गुणा करेंगे तो ये 1.0 हट जाएगा और 1.0 जुड़ जाएगा, 250%। हमने किसी संख्या को प्रतिशत में बदलना हम जान चुके हैं, अब हम जानेंगे कि किसी प्रतिशत को उस संख्या में कैसे बदलेंगे। अगर प्रतिशत हमको दिया हो तो उसको हम संख्या में कैसे बदलेंगे, तो याद रहे किसी प्रतिशत को संख्या में बदलने के लिए उस संख्या में 1/100 से गुणा करते हैं, मतलब क्या है जो प्रतिशत दिया है, ठीक, यहां पर याद रखिएगा उस प्रतिशत में, ठीक, उस प्रतिशत में 1/100 से गुणा करते हैं और प्रतिशत का जो चिन्ह है ठीक उसको हटा देते हैं। याद रखिएगा उस जो प्रतिशत दिया है उसमें हम क्या करते हैं 1/100 से गुणा करते हैं और जो प्रतिशत का चिन्ह रहता है उसको हटा देते हैं। आइए कुछ एग्जांपल के द्वारा हमको उसको समझें कि क्या कह रहा है। निम्नलिखित संख्याओं, निम्नलिखित को संख्या में बदलिए, ये हमारा 10% दिया है इसको हमको संख्या में बदलना है, ये 10% दिया है इसको संख्या में बदलना है। देखिए 10% दिया है, 10 लिखेंगे और इस 10 में प्रतिशत को हटाएंगे और प्रतिशत के स्थान पर 1/100 लिखेंगे, प्रतिशत के स्थान पर क्या लिखेंगे 1/100 लिखेंगे और ये प्रतिशत क्या खत्म हो गया, अभी हमारा क्या हो गया एक संख्या में मिल गया। अब इसको हम हल कर लेंगे, 10 × 10 = 100 मतलब 1/10। दूसरा है 3.5%, 3.5 को हम क्या करेंगे, 3.5% है इसको हम संख्या में बदलेंगे तो 3.5 लिखेंगे और ये जो प्रतिशत है वहां पर हम 1/100 लिखेंगे, जब प्रतिशत है वहां पर 1/100, हमने बताया भी था कि प्रतिशत जब हटता है तो प्रतिशत के स्थान पर 1/100 आ जाता है, यानी प्रतिशत जो होता है 1/100 के बराबर होता है, हम आपको बताया था। तो बस ये प्रतिशत हट गया और वहां पर 1/100 आ गया, अब इसको हल कर लेंगे तो जितना आएगा वही हमारा इस प्रतिशत का मान होगा। तीसरा है 200%, 200 प्रतिशत के स्थान पर 1/100 से गुणा हो गया, 200/100 यानी 200/100 = 2। तीसरा है 40%, 40 प्रतिशत के स्थान पर गुणे 1/100, 40/100 = 2/5। तो फाइंड योर डिजायर्ड परसेंटेज वैल्यू ऑफ एनी नंबर ऑफ क्वांटिटी, किसी मात्रा अथवा संख्या का वांछित प्रतिशत मान ज्ञात करना, हमको आज आपको बताने जा रहे हैं किसी मात्रा अथवा संख्या का वांछित प्रतिशत मान ज्ञात करने के लिए उस संख्या का कथनानुसार उस लिख लेते हैं और परसेंटेज के स्थान पर 1/100 रख देते हैं। इस बात को याद रखिए, हम एग्जाम्पल के अनुसार 50% आपको कितना होगा ये आपको बताना है, यानी 50% कितना होगा ये मान आपको बताना है, 1/2 = 50% कितना होगा ये आपको बताना है, 600% = 40% कितना होगा ये आपको बताना है, 25% कितना होगा ये आपको बताना है। तो चलिए सबसे पहले हम ये कठिन मत मानिए, एकदम सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, ठीक, बस जैसे लिखा है बस उसको लिख लीजिए, पहला सवाल हम हल कर रहे हैं। 50 लिखा है तो 50 लिखिए, का मतलब आप जानते ही होता है गुणा तो का लिखिए, 25 मतलब आप जानते ही 25 ही होता है और परसेंटेज का मतलब आपको बताए थे कि परसेंटेज का मतलब होता है 1/100, मतलब परसेंटेज के स्थान पर 1/100 लिख लीजिए, हो गया कंप्लीट। अब देखिए 25 ये 50 है ये 100 है, यानी 50 ये 100 से कट जाएगा कितनी बार में, 2 बार में, कितनी बार में कट गया 2, यहां पर बच गया 25, 50 यहां पर 1 हो गया, यहां पर 2 हो गया, ये 25 हो गया 1 हो गया, अब ये 25 से कम 25 हो गया और ये बटा हो गया 2, अब इसको जब हल करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा
पांच, 12.5 कपिल हो गया, यानी 50 का 25% जो 50 का 25% होगा 12.5 होगा कंप्लीट। दूसरा है 1/2 का 50%, हमको 1/2 का 50%, 1/2 लिखे। दूसरा सवाल 1/2 हमने लिखा, का मतलब आपको पता है बुरा होता है, 50 मतलब 50 होता है और परसेंटेज का मतलब होता है 1/100, 1/100 समझ में आ गया सबको। 1 0 से 1 0 कट गया, यानी 50 से ये कट गया दो बार में, ठीक 50 से ये कट गया दो बार में, यहां 1 हो गया कि ये 2 दूनी 4 हो गया और ये 1 कम 1, ये 1/2 कितना हो गया 4 हो गया। इसी चीज को हम दशमलव में लिखना चाहें तो हम लिखेंगे कितना, 1/4 को हम लोग दशमलव में लिखते हैं 0.25। दूसरा हो गया, यानी 1/2 का 50% कितना हो जाएगा 1/4 होगा। इस आगे चलते हैं हम, तीसरा सवाल सॉरी ये सी है, अब भाई आपको बी लगा रहा है, बी वाला देखिए, 600 का 40% आपको 600 दिया है, का मतलब आपको फिर से बताया है बुढ़ा होता है और 40% मतलब 40 का 40 हो गया, और जो प्रतिशत है प्रतिशत का मतलब ये होता है 1/100, 1/100 तो ये प्रतिशत हट गया, उसके स्थान पर 1/100 आ गया, समझ में आ गया। अब इसको हल कर लेंगे, 2 0 से 2 0 कट जाएगा, यहां पर बच जाएगा 6, ठीक यहां पर 40 और ये, जब इसका 6 4 24 और 1 0 जुड़ जाएगा, यानी 600 का 40% हमारा क्या होगा 240 होगा, यानी 600 का 40% 240 होगा। तीसरा, कभी कभी एग्जाम में ये सवाल बहुत ज्यादा पूछता है, ये याद रखिए 25% का 25%। अब बोलेंगे आप सर यहां भी परसेंट वहां भी परसेंट, कोई बात नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, ये 25% का 25% पूछ रहा है, तो आइए ये 25% का मतलब गुणा, का मतलब गुणा और 25% मतलब 25 × 1/100, 25 × 1/100। अब इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 हो गया, 25 ये कट गया, ये 25% हो गया गुड़े, ये कट गया 4 बार में, 25 × 100 4 बार में, ये 25/4, ये 25% / 4 हो गया, 25% / 4 हो गया। अब ये परसेंट है, ये परसेंट है, अगर आपका सवाल परसेंटेज में आंसर दिया है, अगर आपका आंसर परसेंटेज में दिया है तो 25% / 4 होगा, लेकिन आपका मान अगर रियल अगर परसेंटेज में नहीं दिया है तो आपका आगे इसको हल करेंगे, यानी 25% और परसेंटेज को हटाएंगे तो पुनः 1/4 1/100 लिखेंगे और यहां पर है 4, एक क्या है 4, इसको हल कीजिए। इसमें से इसको घटा देंगे बच जाएगा कितना
चार बच गया, चार। अब क्या करेंगे, बस दोबारा यहां पर कुछ नहीं करते हैं, यहां जीरो बढ़ा देते हैं, जीरो बढ़ा देते हैं। अब ये संख्या बढ़ा हो गया, भाग जाएगा, कितनी बढ़ जाएगा, बत्तीस, दो बढ़ जाएगा, ठीक, बत्तीस बच गया, कितना आठ बच गया, बचा कि नहीं बचा, ठीक। अब क्या है, फिर जीरो बढ़ाएंगे, अस्सी हो गया, अब कितने बार आएगा, सोलह पचे, सोलह पचे कितना होता है, सोलह दूनी बत्तीस, सोलह अड़तालीस, सोलह चौहत्तर, सोलह पचे अस्सी, ठीक, समझ में आ गया। जीरो दशमलव सिक्स टू फाइव, सॉरी जीरो दशमलव जीरो सिक्स टू फाइव आपका आंसर आ गया, ठीक ना। तो ये आपका 25% का, 25% का 25%, जिसका आंसर एक बटा सोलह भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, और ये भी होता है, हो सकता है, जो आपको उचित पड़े, ठीक, जो आपका विकल्प में हो उसको, लेकिन आप दसवीं तक आप उसको हल कीजिएगा। मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो और ये क्लास आपको अच्छी लगेगी और आप इस पे मेहनत भी करेंगे, और जो भी है उसमें डाउट होगा, ठीक, अपना डाउट हमसे क्या है, अब हमसे अपने स्कूल से संपर्क करके, ठीक, उस डाउट को क्लियर करेंगे। धन्यवाद।